Hello, my dear friends. Welcome to JNC Digital Platform. जो आज का IOHS का आपका पेपर रहा है, उस पेपर के बेसिस पे कह सकते हैं कि सभी JNCian टॉप करने वाले हैं. ऑल ओवर राजस्थान में आप टॉप करने वाले हैं, इतनी उम्मीद के साथ हम यहां बैठे हैं. तो जो भी क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, वेलकम टू ऑल. जो आज की आपकी क्लास है, जो आज का सेशन है, वो पूरा पेपर सॉल्यूशन पे है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं. कंटिन्यूसली लगातार एक ही क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपके सामने आने वाली है. तो तैयार रहें अगले कुछ टाइम के लिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. सभी के साथ इस क्लास का लिंक शेयर कर दें. गुड इवनिंग डियर. सभी के पेपर उम्मीद के मुताबिक बहुत अच्छा रहा होगा, उम्मीद के मुताबिक बहुत शानदार पेपर रहा होगा आप लोगों का. जो अभी तक रेस्पॉन्स मिला है सभी स्टूडेंट से कि सारे क्वेश्चन अपनी ऑफलाइन क्लासेस से मिल रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो ऑफलाइन बैच में अपने ट्यूजडे पेपर सेट होता था, उसके साथ ही जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी उनमें से एज इट इज उठाए गए हैं. बहुत सारे क्वेश्चन वहां से एज इट इज पिक किए गए हैं. तो इस तरह से जेएनसी के लिए और आप सभी जेएनसी के लिए बहुत शानदार पेपर रहा है. तो देखते हैं आज का पेपर स्टार्ट करते हैं. उससे पहले टीम जेएनसी आपके साथ तैयार है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. और एक चीज बता दूं कि किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है. क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से. तो टीम जेएनसी आपके साथ श्री कृष्ण के किरदार में साथ में तैयार है कि जो आपकी नाव का बेड़ा पार करने के लिए तैयार है यहाँ पे. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी टीम जेएनसी से, प्लीज आप भी यहाँ ऑन कैमरा पधारें. जो आपके केमिस्ट्री के लिए हरीश सर और हनुमान सर, बायो में आप लोगों के साथ रहे हैं लगातार सीरवी सर, तो पूरी टीम जेएनसी आपके साथ है. और अभी ये सारे फेस आपको दिखेंगे पेपर सॉल्व करते हुए. तो तैयार रहें, क्लास का लिंक सबके साथ शेयर जरूर कर दें. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास आपकी केमिस्ट्री की, जिसमें हनुमान सर के साथ हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं. तो तैयार रहें अपने पेपर के साथ, उसमें देख लें कि आपने जो आंसर टिक किए हैं वो कितने सही है, और अगर कहीं पे भी डाउट फील होता है तो उसको भी क्लियर कर लें. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आज की केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं. द सिस्टम दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. ऑप्शन इज एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, वाटर, इथाइल एल्कोहल, बेंजीन, टोलुइन, एंड लास्ट ऑप्शन एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड. यानी कि देखिए, जो इसमें क्वेश्चन जो आपको कह रहा है उच्चतम, यानी कि इसकी बात कर रहा है उच्चतम क्वथनांक एजियोट्रॉप. एजियोट्रॉप की मतलब है कि आपके पास में स्थिर क्वांति मिश्रण जो है वो उच्चतम क्वांथिंग वाला, जो क्वांथम क्वथनांक वाला है, कौन सा होगा. इसके अंदर फर्स्ट है ऑप्शन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है आपके पास में, वाटर और इथाइल अल्कोहल है, बेंजीन और टोलुइन है, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CH2. ये ले लिया आपके पास में एसीटोन CO CH3, टोलुइन है C6H5CH3, और बेंजीन C6H6 हो गया. ठीक है ना, सारे के सारे एजियोट्रॉप्स हैं. लेकिन क्या होगा, इसके अंदर जो उच्चतम क्वथनांक वाला, यानी कि क्या हुआ, दोनों सॉल्यूशन को मिलाने पर उसका जो क्वथनांक जो सॉल्यूशन का आएगा, जो उनके अवयवों से अधिक होता है. तो यहाँ पर देखिए, ये आंसर आपके बी होगा, क्योंकि वाटर का इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एथाइल एल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना,
इन दोनों का मिक्सर करने पर जो एजोट्रॉप्स बनता है उसका दोनों का आता है, इन दोनों से ज्यादा होगा, करीब करीब ये इतना होता है उच्चतम। तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल, ठीक है ना। ये आंसर आपके फर्स्ट हो गया इसका। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मेरे ख्याल से सारे लोग जुड़ चुके हैं बिल्कुल। हिंदी में इस बार क्वेश्चन हिंदी में नहीं है, लेकिन आपको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी कि क्या हो रहा है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में द हीट इवॉल्व एंड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित और अवशोषित ऊष्मा पर क्या प्रभाव होता है, डिक्रीज यानी कि कम हो रही है, इंक्रीज बढ़ रही है, में इंक्रीज यानी कि बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, और रिमेन अनचेंज यानी कि इक्वल रहती है, कौन सी रहेगी भाई, कौन सा होगा इसके अंदर। यहाँ पर आंसर जो होगा, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर साम्यवस्था की बात करें, उत्सर्जित और ऊष्मा, ऊष्मा जो डिपेंड नहीं करती है तो रिमेन्स अनचेंज रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या होगा, द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, मोल पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड, मोल पर लीटर सेकेंड, लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ऑल ऑफ दीज। देखिए ऑप्शन कौन से हैं इसके अंदर, यूनिट ऑफ जीरो शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का के का मात्रक चाहिए इसमें, के का मात्रक, तो क्या होता है शून्य कोटि के मात्रक का, यहाँ पर ध्यान रखिए, देखिए मैंने आपको बताया मोल पर लीटर, उस पर वन माइनस एन और सेकेंड इनवर्स, ये इसका अपना था, यहाँ पर एन की वैल्यू आ गई जीरो, तो क्या हो गया यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स कर दीजिए सिंधासा और सेकेंड इनवर्स, यानी कि ये आता है, और इसके फॉर्म में लिया गया तो ये देखिए यहाँ पर बटा एक लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, बी इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इसमें आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इमल्सिफाइंग एजेंट इन मिल्क विच मेक्स द स्टेबल, यानी कि देखिए इमल्सिफाइंग यानी कि मिल्क के अंदर दूध में उपस्थित पायसी कारक जो उसको स्टेबल करता है, स्थायित्व तो प्रदान करता है, वो कौन सा है, लैक्टिक बेसिलस, केसिन, लैक्टोज और माल्टोज, चार चीजें दे रखी है, आंसर क्या होगा इसमें, इमल्सिफाइंग पायसी कारक जो उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व प्रदान करता है, वो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, केसिन कार्य करता है यहाँ पर, तो राइट आंसर इज केसिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू फॉर AgI Ag+ सॉल्यूशन, यानी सॉल, सॉरी ठीक है ना, इस सॉल के लिए सबसे ज्यादा अधिकतम स्कंदन क्षमता किसकी होगी या स्कंदन वैल्यू किसकी होगी। सीधी सी बात है, देखिए ये सॉल बहुत अच्छा सवाल है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और हार्डी सुलझे लॉ लग रहा है इसके अंदर, कौन सा लॉ लग रहा है, हार्डी सुलझे लॉ, हार्डी सुलझे नियम क्या कहता है, जो स्कंदन क्षमता होती है वो होती है उसकी संयोजकता के समानुपाती होती है, जिसकी संयोजकता अधिक होगी वो, यहाँ पर देखिए सोडियम सब में कॉमन है, इसकी संयोजकता नहीं ली जाएगी, संयोजकता इधर की ली जाएगी आपकी, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा किसकी होगी, वहां पर देख लीजिए जिसकी सबसे ज्यादा है वो क्या होगा, उसकी संयोजकता जिसकी ज्यादा होगी स्कंदन क्षमता भी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। इन एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस,
एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रम के अंदर एल्यूमिनियम का क्या कार्य, एल्यूमिनियम किसकी भांति कार्य करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट की तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, फ्लक्स यानी कि क्या बढ़ता है, फ्लक्स की तरह काम करता है, एक सोल्डर की तरह काम करता है। तो कौन सा आंसर होगा इसके अंदर, इसके अंदर क्या होगा आंसर जो है आपका, ये एक यानी कि यहाँ पर हिंदी के अंदर बात करें ये ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है, अपचायक का कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है बी अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट का काम में करता है, ठीक है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जो भी जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट यदि देखें इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड इज यूज फॉर प्यूरिफाई द फॉलोइंग मेटल्स, किस किस के अंदर यूज करेंगे भाई इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि जो विद्युत अपघटनीय विधि है रिफाइनिंग परिशोधन है, किसके अंदर यूज करते हैं, जिंक कॉपर जर्मेनियम सिलिकॉन जर्कोनियम टाइटेनियम मर्करी और जिंक। यहाँ पर देखिए सारी की सारी जितने भी वाष्पशील धातु हैं सिर्फ ए को छोड़कर एक है जो जिंक और कॉपर यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हेलो स्टूडेंट, जिंक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो आज का जो लाइव सेशन है वो सर्जिकल स्ट्राइक आरयूएचएस के पेपर के ऊपर, हमें उम्मीद है कि आपका आज का जो पेपर है वो बहुत है वो शानदार गया होगा। कारण है कि जो भी क्वेश्चन है वो आए वो अपन के क्लासरूम नोट्स, आपके ट्यूजडे जो आपके टेस्ट पेपर है वो होता था, इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासे अपने ली थी उसी से आपके है वो सारा का सारा पेपर है वो आया, एक भी क्वेश्चन है वो बाहर है वो नहीं था जो अपने है वो नहीं पढ़ाया है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अपन के क्लासरूम के अंदर जो आपको है वो बताए थे, जो इम्पोर्टेंट है वो बताए थे, वही क्वेश्चन है वो आपको है वो पूछे गए थे आज के पेपर के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर है वो बहुत शानदार है वो गया होगा। तो आगे अपन नेक्स्ट कंटिन्यू है वो करते हैं इसको। वेरी गुड इवनिंग हनुमान सिंह राजपुरोहित, असु रावत, भूपेंद्र सिंह राठौड़, पूनम गुजर, संजना चौधरी, भूपेंद्र सिंह राठौड़, अर्पिता मिश्रा। तो आगे अपन कंटिन्यू है वो करते हैं। विच इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है, ये क्वेश्चन है कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से इसका राइट आंसर है वो पुट कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये है एच आई, ये आपके बी सी और डी। तो अब इसके अंदर अपने है वो क्लास के अंदर आपको बताया था इन चारों के अंदर जो एच आई होता है वो सबसे प्रबल अम्ल है वो होता है, एच आई है वो सबसे प्रबल अम्ल है। एच एफ, एस सी एल, एच बी आर और एच आई, इसके अंदर ये इनकी अम्लता का बढ़ता क्रम होता है, अम्लीय सामर्थ्य का, अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम होता है। तो इसके अंदर एच आई जो होता है वो प्रबल अम्ल है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिट, किसका निर्माण नहीं होता है, किसका निर्माण नहीं होता है। चार ऑप्शन, XeF2 का है वो निर्माण है वो होता है, XeOF4 इसका भी है वो निर्माण होता है, XeF6 यानी कि जो जिनोन होता है, जिनोन है वो अक्रिय गैस है, तो जिनोन होता है वो फ्लोरीन के साथ है वो रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड का है वो फॉर्मेशन करता है, लेकिन नियोन है वो फ्लोरीन के साथ किसी प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन है वो नहीं करता है। तो डी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेट्राहेड्रल इन शेप, किसकी ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है वो नहीं होती है। चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन आपके सामने, SiCl4, SO4, बी जो ऑप्शन है वो है SO42- SF4 और NH4+, ये चार ऑप्शन, इसकी ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है, इसकी ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है, NH4+ इसकी भी है वो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन SF4 की जो ज्योमेट्री होती है, SF4 की जो ज्योमेट्री होती है
वो विकर्त चतुष्फलकी होती है, या इसे अपन बोलते हैं सी सॉ ज्योमेट्री। सी सॉ ज्योमेट्री विकर्त चतुष्फलकी, विकर्त चतुष्फलकी ये ज्योमेट्री है वो होती है इसकी। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि किसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी है वो नहीं होती है, किसकी ज्योमेट्री ज्योमिति है वो चतुष्फलकी नहीं होती है, नहीं होती है। तो इसके अंदर आपके वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा SF4। SF4 है वो, इसका राइट आंसर है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, इन विच केस ऑर्डर ऑफ एसिडिक की स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट। अम्लीय सामर्थ्य का कौन सा क्रम सही नहीं है, अम्लीय सामर्थ्य का कौन सा क्रम सही नहीं है उसके बारे में बताना है आपको। तो अम्लीय सामर्थ्य के इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर जो क्लोरीन होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 होता है, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और यहाँ पर क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। तो आपके है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होती है तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है, तो ये बिल्कुल है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद में HF, फिर H2O, फिर NH3। NH3 आपको पता होगा इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसकी प्रकृति है वो उभयधर्मी होती है, उदासीन होता है, और ये अम्लीय है वो होता है, तो इस कारण ये ऑर्डर भी है वो राइट है। फिर यहाँ पर जिस हेलोजन की विद्युत ऋणता, अगर आपके है वो ये आपके हेलोजन के ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो अम्ल है, ये सी जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन के अंदर हेलोजन के ऑक्सो अम्ल है। तो जिस हेलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है उसका ऑक्सो अम्ल प्रबल होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका ऑक्सो एसिड है वो स्ट्रोंग है वो होता है। तो इस कारण यहाँ पर आपके है वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है वो ये होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर है वो HIO4 का दे रखा, सी है वो दे रखा है, तो ये आपके है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यही अपन को पूछा है कि कौन सा आपके वो जो ऑर्डर है वो अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर सी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में अभी अपने बात किया था कि जो HI होता है वो सबसे प्रबल अम्ल है वो होता है, HI, HBr और फिर HCl है वो होता है। तो इस कारण डी भी है वो एकदम राइट है, तो सी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द लेंथेनाइड इज, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द लेंथेनाइड इज, लेंथेनाइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इम्पोर्टेंट बताया था मैंने आपको है वो क्लास के अंदर, के काफी बार ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था, और बिल्कुल है वो आपके एग्जाम के अंदर है वो ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। जितने भी आपके है वो आज पेपर के अंदर है वो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे अपन के क्लासरूम नोट से है, एक भी क्वेश्चन है वो क्लासरूम नोट से है वो बाहर नहीं है। जो क्वेश्चन आपको पॉइंट जो इम्पोर्टेंट बताए उन्हीं में से सारे क्वेश्चन है वो पुट किए गए हैं। तो अब इसके अंदर है वो लेंथेनाइड की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था जो लेंथेनाइड के यौगिकों की होती है वो +3 होती है। तो बी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। यहां पर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण जो तत्व होते हैं, संक्रमण जो तत्व होते हैं उनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कहते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है वो एक्स है, उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो Argon 3d5 है, Argon 3d5 है। अब ये कह रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो एक्स का परमाणु क्रमांक है वो कितना होगा, तो यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो 18, और इसके अंदर है वो 5 +3 इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है, तो इसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन है वो लूज करता है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगा,
तो अब इसको अगर अपन एवो टोटल एवो करेंगे, ये टोटल आपके एवो कितना हो जाएगा, 26 एवो हो जाएगा। तो अब इसके अंदर बी इसका एवो क्या हो जाएगा, राइट आंसर एवो हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कौन सा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, चार ऑप्शन। अब इसके अंदर मैंने आपको एवो बताया था CN- माइनस है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये CU कार्बोनिल ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, NH3-MIN ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, SCN इसे अपन बोलते हैं थायोसाइनाइड, ये आपके है वो वीक लिगेंड होता है SCN माइनस, ये आपके है वो SCN माइनस है वो C इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा, C इसका राइट आंसर SCN माइनस थायोसाइनाइड, ये वीक लिगेंड है, बाकी तीनों है वो स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इफ डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी, डेल्टा नॉट है वो, डेल्टा नॉट जिसे अपन है वो बोलते हैं सीएफएसई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इस ये आपके है वो ग्रेटर देन पी का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 4d4, डी के अंदर अपन को है वो चार इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ने हैं, ये आपके है वो D4 है। तो अब इसके अंदर ये दो एनर्जी लेवल के अंदर है वो डिवाइड होगा इजी, और यहां पर आपके हो जाएगा T2g, इजी और T2g। अब D के अंदर चार इलेक्ट्रॉन बनना है तो चारों इलेक्ट्रॉन है वो इसी के अंदर है वो आएंगे, कारण है कि ये जो वैल्यू है वो ज्यादा है तो चारों इलेक्ट्रॉन इसी में आएंगे, तो ये हो जाएगा T2g के अंदर 4 और इजी के अंदर है वो 0। डेल्टा नॉट ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ पेयरिंग करेगा, ऊपर है वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा नॉट है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा, युग्मन ऊर्जा से ज्यादा है। तो T2g4e0 बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़िग्लेरनाटा कैटलिस्ट इज TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड डिजोल्व इन, जो ज़िग्लेरनाटा कैटलिस्ट होता है उस ज़िग्लेरनाटा कैटलिस्ट के अंदर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को किसके अंदर डिसॉल्व करता है, तो यहां पर इसका ज़िग्लेरनाटा का जो कैटलिस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है ट्राई एल्किल एल्युमिनियम प्लस TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ट्राई एथिल एल्युमिनियम, इसके अंदर है वो डिसॉल्व करते हैं, तो ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये ज़िग्लेरनाटा जो कैटलिस्ट है इसके बारे में भी अपने है वो बता रखा है, मैंने क्लासरूम नोट्स के अंदर आपको है वो लिखवाया था, इसका फॉर्मूला है वो लिखवा रखा था, तो अगर आपने थोड़ा सा है वो ध्यान से है वो देखा होगा तो आराम से आपके सारे क्वेश्चन है वो राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर रिमूविंग बटर स्टेन फ्रॉम क्लॉथ इज, आपके है वो मक्खन का जो डब्बा होता है वो कपड़े के ऊपर लगा है उसको रिमूव करवाने के लिए किसका उपयोग अपन है वो करेंगे, मक्खन के डब्बे को कपड़े से हटाने के लिए कौन से विलायक का उपयोग है वो करते हैं, तो इसके अंदर आपके है वो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का अपन उपयोग है वो करते हैं मक्खन के डब्बे को हटाने के लिए, तो सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर, ये जो कंपाउंड है इसका करेक्ट IUPAC नेम है वो क्या होगा, चार ऑप्शन। तो अब इसके अंदर ये आपके है वो एमीन है और ये फंक्शनल ग्रुप है वो होता है, तो इस कारण इसका नॉमेनक्लेचर अपन यहां से वो करेंगे 1, 2, 3। तो अब इसके अंदर आपके हो जाएगा ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर इसका नाम हो जाएगा एन मैथिल, तीन कार्बन की चेन है, इसका हो जाएगा प्रॉप टू इन वन एमाइन, तो एन मेथिल प्रॉप टू इन वन एमाइन, सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द डिजीज जेरोप्थेल्मिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से जेरोप्थेल्मिया रोग है वो होता है, इसे अपन रतौंधी है वो कहते हैं, तो आपको पता होगा रतौंधी जो बीमारी होती है वो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी जेरोप्थेल्मिया डिजीज है वो होती है, तो अब इसके अंदर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए,
विटामिन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन इज ए बायोडिग्रेबल पॉलीमर, कौन सा जो पॉलीमर होता है वो बायोडिग्रेबल होता है, कौन सा पॉलीमर बायोडिग्रेबल होता है। तो अब इसके अंदर बायोडिग्रेबल का मतलब होता है जिसे अपन बोलते हैं जैव अपघटीय बहुलक। जैव अपघटीय बहुलक वे होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनके द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जिनके जिससे वातावरण प्रदूषित है वो नहीं होता है, उसे अपन जैव अपघटीय बहुलक है वो कहते हैं। तो इसके अंदर नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 ये आपके वो जैव अपघटीय बहुलक है वो होता है, बाकी सारे के सारे जैव अनअपघटीय बहुलक है तीनों। सी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यही अपन को पूछा गया है, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कौन सा है वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है वो नहीं है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जो एकलिंग इकाइयां होती है वो जब आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है, तो उस समय अगर कोई छोटा मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है तो उसे अपन संघनन बहुलक है वो कहते हैं। तो संघनन बहुलक है वो कौन सा है, उसी के बारे में अपन को है वो, कौन सा संघनन बहुलक है वो नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो अब इसके अंदर नाइलॉन 66, ड्रेकोन और मेलामिन ये तीनों ही आपके है वो संघनन बहुलक के एग्जाम्पल है, लेकिन जो नियोप्रीन है वो आपके है वो नहीं है, ये आपके है वो संघनन बहुलक है वो नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। ये आपके है वो युगात्मक बहुलक का है वो एग्जाम्पल है, जो नियोप्रीन होता है वो आपके एडिशन पॉलीमर्स का है वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, द मेन केमिकल कंपाउंड्स ऑफ डेटॉल आर, डेटॉल जो होता है उसके अंदर कौन कौन से है वो कंपाउंड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसके अंदर टर्पिनॉल और क्लोरोजाइनिनॉल, ये आपके है वो डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टर्पिनॉल और क्लोरोजाइनिनॉल ये डेटॉल के है वो संगठन होते हैं, डेटॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों को मिलाने पर एडोटॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विस डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड का एग्जाम्पल बताना है। तो विस डाइहैलाइड और जैम डाइहैलाइड ये दो होते हैं, जैम के अंदर तो एक ही कार्बन पर जब दो हेलोजन ग्रुप जुड़े होता है तो उसको अपन बोलते हैं जैम डाइहैलाइड, और जब दो पास पास स्थित कार्बन से हेलोजन कनेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं विसनल डाइहैलाइड। तो अब यहाँ पर 1,2 डाइब्रोमो एथेन ये आपके है वो CH2, यहाँ आपके Br और ये Br, ये आपके 1,2 डाइब्रोमो एथेन है, इसे अपन विसनल डाइहैलाइड है वो कहते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डाइक्लोरोमेथेन एक ही कार्बन से दो क्लोरो ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी एक ही आपके है वो हेलोजन है, यहाँ पर भी एक हेलोजन है, दो हेलोजन है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो डी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडर SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली, यानी कि कौन सबसे जल्दी SN1 रिएक्शन है वो शो करता है, SN1 एकाणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको अपन SN1 रिएक्शन बताते हैं। तो SN1 रिएक्शन के अंदर है वो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो ये बॉन्ड इजीली से टूटेगा कार्बन और आयोडीन के बीच में, क्योंकि इसका बंध सामर्थ्य है वो कम होता है, तो इस कारण ये आपके है वो जल्दी से SN1 रिएक्शन है वो शो करेगा, ये इनका ऑर्डर है वो रहता है हैलोजन का, एल्किल हैलाइड का जो ऑर्डर रहता है SN1 रिएक्शन के अंदर वो इस प्रकार से वो रहता है। तो इस कारण डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कौन है वो एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल्दी से रिएक्शन है वो देगा, ये आपके है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का है वो एग्जांपल है। तो इसके अंदर फिनोल की रिएक्टिविटी है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर है वो अधिक है वो होगी, तो डी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, फिनॉल है वो किससे
कम अम्लीय है वो होता है। फिनॉल किससे कम अम्लीय होता है? तो उसमें ये प्रोपेनॉल, फिर और तो नाइट्रोफिनॉल, और तो नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है। कारण होता है कि यहाँ पर आपके है वो OH और ये NO2 ग्रुप है वो कनेक्ट होता है। NO2 जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग ग्रुप होता है, इसी कारण इसकी एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज कर देगा ये। तो बी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा NO2 जो ग्रुप होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग ग्रुप होता है ये। तो बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन बॉन्ड। चार ऑप्शन आपके सामने, वुड्स रिएक्शन, कैनिजरो रिएक्शन, राइमर-टीमान रिएक्शन और फिटिंग। तो इसके अंदर बी इसका है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैनिजरो अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम प्रोपेन इज विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन। चार ऑप्शन, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम प्रोपेन इज विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन। प्रोपेन की साइनोहाइड्रिन के साथ जो अभिक्रिया होती है, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन यानी वह अभिक्रिया जिसमें साइनोहाइड्रिन का है वो निर्माण है वो होता है, उसके अंदर जो प्रोपेन होता है वो HCN के साथ है वो रिएक्ट करता है। प्रोपेनॉन जो होता है वो HCN के साथ है वो रिएक्ट है वो करता है। ये किस टाइप की है वो अभिक्रिया है, ये किस टाइप की है वो अभिक्रिया है उसके बारे में बताना है। तो ये आपको पता होगा जो एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो शो करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। तो कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन ए वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। यहां पर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर यानी साम्यावस्था पर द रेट ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन ए वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। तो इसके अंदर आपके है वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि आपके है वो जो क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया के है वो बराबर है वो हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया के है वो बराबर हो जाएगा। तो डी इसका है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन फ्यूल सेल इज। फ्यूल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत अपघटीय जो काम में लेते हैं, ईंधन सेल के अंदर जो वैद्युत अपघटीय काम में लेते हैं उसका नाम बताना है। तो ईंधन सेल के अंदर जो वैद्युत अपघटीय काम में लेते हैं वो लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का, अपन है वो प्रयोग करते हैं ईंधन सेल के अंदर, ईंधन सेल के अंदर KOH का प्रयोग करते हैं वैद्युत अपघटीय के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला अपन को बताना है। रस्ट जो होता है उसे अपन बोलते हैं जंग, जंग का रासायनिक सूत्र बताना है। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2O3.XH2O। ये आपके है वो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। ये इसका जंग का रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द एड्स ऑफ द क्यूब एंड रेडियस ऑफ एटम फॉर बीसीसी। बीसीसी के अंदर आपको है वो बीसीसी जो क्रिस्टल होता है उस बीसीसी क्रिस्टल के अंदर आपके है वो जो क्यूब की एड्स, एड्स जिसे अपन ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ एटम इन जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होता है उसकी रेडियस आर, इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो इनके बीच में रिलेशन है वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 4R/√3।
ये आपके है वो ऑप्शन बी और ये आपके है वो सी। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4R/√3, ये इसका राइट आंसर है वो होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ए इज इक्वल टू 4R/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस हैज 68.02% पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि कौन से क्रिस्टल लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी 68.02 होती है? तो ये आपके है वो क्लास के अंदर मैंने सारे है वो बीसीसी एफसीसी एचसीपी इन सब की पैकिंग एफिशिएंसी है वो लिखवाई थी। तो बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 68.2% है वो हो जाएगी, 68.2%। तो ये आज का अपन का जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व आउट करवा दिए। अब है वो सीरवी सर आ रहे हैं आपको बायो के क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट है वो करवाएंगे आज के पेपर के अंदर। तो आप सभी का एक बार है वो उम्मीद करता हूँ पेपर है वो बहुत शानदार है वो गया होगा, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो अपन के क्लासरूम नोट्स के अंदर जो अपने इंपॉर्टेंट बताए थे वही सारे है वो क्वेश्चन थे। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको भारती सर ने, हरी सर ने और हनुमान सर ने इस बारे में बताया होगा, पूरा का पूरा पेपर एज इट इज JINC की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस से आया है, और उसी के बारे में चर्चा करते हुए अब मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछे गए थे उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कि आप खुद ही देखोगे कि हमारी जो ऑफलाइन की क्लासेस हुई थी, ऑनलाइन की क्लासेस हुई थी और ट्यूजडे का जो टेस्ट रहा था, सारा का सारा क्वेश्चन का मटेरियल उसी से आया हुआ है। जिन विद्यार्थियों ने लास्ट के अंदर हमने जो रिविजन क्लासेस चलाई थी अगर वो अटेंड की है तो उन बच्चों के वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन सुनिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ टेस्ट इज ऑलवेज अराउंड बिलो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से कितना कम होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा जाने वाला है, फर्स्ट इसका राइट आंसर जाने वाला है। बच्चों के बीच इसमें कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं था, सीधे साधे क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज, इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, क्या मेले जिसे खसरा कहते वो होगा, या ट्यूबरक्लोसिस TB, या गोनेरिया, या टाइफाइड। तो कौन सा आंसर जाएगा इसका, सीधा सिंपल सा आंसर गया इसका, टाइफाइड नहीं, टीबी नहीं, मेलियस नहीं, गोनोरिया। गोनोरिया है जो STD डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एड्स ऐसा कुछ, सारा कुछ इसी में आएगा STD के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ बटरफ्लाई हैज अ क्रोमोसोम नंबर 360 इन अ मियोसाइटिक 2 एंड व्हाट विल द क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स, काफी बच्चों के क्वेश्चंस और क्वेरी आ रही कि सर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है। अब मिस्टेक क्या है, जब अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट जिसे अपन कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका, तो अर्धसूत्री कोशिका कहकर आपका दे रखा है 2n, 2n कहकर पूछ रखा है फिर से n सेल गैमेट्स के बारे में। तो ध्यान देना बेटा, क्योंकि यहां मियोसाइट जिसके अंदर होने वाला है अर्धसूत्री विभाजन, जिन कोशिकाओं के अंदर होगा उन्हें अपन मियोसाइट सेल्स कहते हैं। इसका मतलब ये सही है कि 2n बराबर आपके पास में 360 है, तो मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, 360/2, तो लगभग कितना आना चाहिए, 180 के आसपास, लेकिन ये 190 दे रखा है, ऑप्शन गलत है, लेकिन इसका आंसर जो जाने वाला 180 है, बिल्कुल सही वाला। हाँ बेटा, कोई इशू नहीं, अगर आपको आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो अब आपके पास में कोई चारा नहीं है, आपको उसी समय ध्यान रखना था, आपको कहा भी गया था कि पेपर आपको किस तरह से अटेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा आप उनको जो ऑप्शन आपको लगता है कि हो ही नहीं सकता उन्हें आप काट दीजिए, और जिन पर आपको लगता है कि 100% हो सकता है उन्हीं ऑप्शन को देना था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय 8 कोशिकीय 8 कोशिकीय 7 केंद्रकीय ऐसा कुछ पॉइंट था, तो हमारे पास में 8 कोशिकीय 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल स्ट्रक्चर कौन सा जा रहा है, 7 सेल, लेकिन 8 सेल नहीं, 6 सेल नहीं, 5 नहीं, सीधा जो आंसर गया इसका बी, इसका राइट आंसर गया है। चलिए बेटा, काफी बच्चों के
कमेंट आ रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके राइट भी हो रहे हैं और आप ही के अंदर से ही नोट्स के अंदर से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंथीराइना मेजर्स इज अ डॉग फ्लावर स्नैप ड्रैगन, और इस प्लांट का एग्जाम्पल पूछा गया कि किसका एग्जाम्पल है, तो हमने क्रॉस करवा के देखा कि उसके अंदर इनकम्प्लीट अपूर्ण प्रभाविता देखी जाती है, मतलब प्रभावी लक्षण पूरी तरह से प्रभावी पर प्रभावी नहीं था, अप्रभावी ने अपने लक्षण प्रकट किए, तो इसका राइट आंसर जो गया बेटा वो सीधा सीधा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे अपन अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अगर को डोमिनेंस साथ ए बी ब्लड ग्रुप का पूछ लेता तो को डोमिनेंस जाता, इसका राइट आंसर सीधा सीधा ए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज, इनमें से कौन सा ऐसा जो नॉर्मली आपके एड्स के दौरान या एड्स फैलने का कारण बनता है, एसटीडी सेक्सुअली इंटरकॉर्स बिल्कुल वो तो है ही है, प्लेसेंटल ट्रांसप्लांट बिल्कुल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी कंटामिनेट ब्लड को किसी कंटामिनेट मदर से किसी कंटामिनेट पर्सन के साथ कोइटस होती है, सारे के सारे फैक्टर किसको रहेंगे, एसटीडी, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी इसका राइट आंसर। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्ट्रोमिलेंथस पुंतियाना जिसे नीला कुरंजी कहते हैं और ये जो है आपका तमिलनाडु केरला कर्नाटक इनकी बॉर्डर पर मिलता है, तो ये जो आपका प्लांट होता है इसमें 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है, एनसीईआरटी ने लिखा था, मैंने आपको कहा था मेरे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के जाना, पिछली जो इसमें एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से लिखा हुआ है मई 2006 में इसमें फ्लावरिंग हुई, 12 साल और जोड़ा 18, बिल्कुल ये हो गई फ्लावरिंग, तो इसमें 12 साल बाद देखी जाती है, जैसे कि आपका कुंभ का मेला हो तो 12 साल बाद, तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, 12 ईयर चला जाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी। क्लास का ही क्वेश्चन था, ऑफलाइन बैच का क्वेश्चन था, जब रिविजन चल रहा था तो मैंने आपको कहा था बेटा कि अपन गलत करेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी तथा पॉली सीडी स्टेज, एक से ज्यादा सीड होना तथा एक से ज्यादा एम्ब्रियो होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हमने कहा था सिट्रस के अंदर, वरना तो टोमेटो के अंदर पर तो एक से ज्यादा बीज होते हैं, तो कुछ विद्यार्थियों ने टोमेटो किया होगा, बिल्कुल इसका आंसर कुछ विद्यार्थियों ने, हाँ कुछ विद्यार्थियों ने जो है टोमेटो भी किया होगा, लेकिन वो बहु बीजी अवस्था है, बहु भ्रूणता नहीं है, तो बहु भ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी किसमें देखी जाती है, सिट्रस के पादपों के अंदर, सिट्रस कुल के अंदर, तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर डी सिट्रस फैमिली में। ऑकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट द फिनोमेना इज कॉल्ड, जब एक जीन एक से ज्यादा ज्यादा लक्षण प्रकट करे तो मल्टीपल एलिज्म नहीं बहु युग्म विकल्पी होती है, ये हो जाएगा इसका छदमावरण की तरह अपन कहेंगे इसको, प्लियोट्रॉपिक या पॉलीजेनिक बहुजीनी वंशागति, इसका हो जाएगा बहुजीनी वंशागति, इसका मतलब एक लक्षण के लिए, क्या करने के लिए, एक लक्षण है तो एक से अधिक जीन नहीं, कौन सा, प्लियोट्रॉपी बहुजीनी वंशागति बहुप्रभाविता ट्रॉपिज्म का मतलब प्रभाविता, तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला बेटा वो कौन सा हो जाएगा, बहुप्रभाविता, क्योंकि यहां जीन एक है लेकिन अपने प्रभाव एक से ज्यादा, सिंगल जीन एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, तो सिंगल जीन एक जीन एक से ज्यादा प्रभाव दर्शा रही है, बहु प्रभाविता, सी इसका राइट आंसर चला गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डाई ड्रॉप ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ए क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस पी प्लांट ऑल पी प्लांट, मतलब कैपिटल डी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल टी। अब इसका आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है ड्रॉप ऑफ स्ट्रिंग का रेशियो बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो पहले तो आप इसके गैमेट बनेंगे, कैपिटल डी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल टी गैमेट बना और फटाफट से आपने इसका जो आंसर दिया होगा मेरे बच्चे बिल्कुल सही कहा होगा आपने, इसका आंसर ये रहा आपका स्मॉल टी पूछा है, ड्रॉप कितना परसेंट फिक्स है 25%, इसका राइट आंसर 25% गया था, ऐसा ही कुछ बिल्कुल। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, जीरो बिटवीन हेट्रोजाइगस पी प्लांट ड्रॉप ऑफस्प्रिंग इन अ क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस प्लांट, आपसे पूछा गया व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्रॉप स्प्रिंग, ड्रॉप यानी कि आपको अपूर्ण प्रभाविता का बताना था, वो कितना, सिर्फ और सिर्फ एक आ रहा बेटा, तो इसका आंसर जो जाएगा वो ए आंसर जाने वाला 25, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर कब मेनोपॉज होता है, तो अराउंड 45 से 50 ईयर, बिल्कुल सही ए आंसर, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन सा, ए इसका राइट आंसर जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सिंपल सा पेपर था, किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं था पेपर में, किसी भी प्रकार का आपका, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, एकाध ऐसे क्वेश्चन थे, एक दो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, उसमें से पिछले वाले दो तीन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की बात क्या पूछ रहा है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, नहीं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भाई फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही एम्ब्रियो बनता है, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, यही क्या कहलाता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाता है निषेचन पूर्व घटना में, जिसमें भ्रूण का विकास हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉट इज नरिश्ड बाई एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म द्वारा किसे नरिशमेंट दिया जाता है? तो एम्ब्रियो को देगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म को देने से रहा फ्रूट नहीं, सीड नहीं, सीधा एम्ब्रियो। री आंसर, वेरी सिंपल, क्लास में आपको बताया था बेटा, मैं फिर से बार बार दोहरा रहा हूं कि हर क्वेश्चन आपके ऑफलाइन, ऑनलाइन तथा आपके ट्यूसडे को होने वाले पेपर, उन्हीं के अंदर से आया है। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट लाइक पीसीएस, इट एंश्योर जीनोगेमी इन पपैया। भाई आपको भी पता होना चाहिए पपैया के अंदर, क्योंकि मेज के अंदर ऊपर मेल, नीचे की तरफ फीमेल, मैंगो भी डाइसियस है, ऑल ऑफ दिस नहीं, इसका आंसर कौन सा जाएगा? पपैया। पपैया के जो पपीता होते हैं उसके दो प्लांट रखने पड़ते हैं, बिना दो प्लांट के उसमें पपीता का फल नहीं लगता, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। सिंपल सा आंसर था, याद कीजिए जब अपने जीनोगैमी, जीटोनोगैमी और साथ में ऑटोगैमी के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां इसका राइट आंसर बिल्कुल ए, इसका राइट आंसर चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेल एसेसरी ग्लैंड। देखिए एम्प्यूला, वैसे तो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूथ्रल ग्लैंड भी है, एम्प्यूला जो रीजन होता है बेटा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव में, यहाँ का जो रीजन होता है फुलावा जो भाग होता है, फेलोपियन ट्यूब का फुलावा भाग, उसे क्या कहा जाता है? एम्प्यूला कहा जाता है। तो विच वन इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल का नहीं, कौन सा? एम्प्यूला मेल के अंदर नहीं पाया जाता है। अगला, वेरी वेरी सिंपल, इतना सिंपल भी कोई पेपर आ सकता है, आरएचएस ने कर दिखाया है, ये आपकी बदौलत, ये जेआईएनसी की बदौलत, क्योंकि जेआईएनसी ने आपके पीछे इतना काम किया है, मेहनत की है, कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत बहुत इजी लग रहे हैं। अगला, पेयर ऑफ कंसिडेंट ट्रेड्स वर स्टडी बाय मेंडल इन पी प्लांट, कितने जोड़ी थे? 10 जोड़ी? नो। 8 जोड़ी? नो। 5 नहीं, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, इसका राइट आंसर कौन सा? 7, इसका राइट आंसर डी चला जाएगा। चलिए बेटा, आफ्टर इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, 3 डे, 5 डे, 7 डे, अप्रोक्स 7 डे के आसपास जो है एम्ब्रियो यूट्रस में पहुंच जाएगा, और यूट्रस में पहुंचकर वहां क्या कर देगा? इम्प्लांटेशन कर देगा। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? 7, इसका राइट आंसर चला जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा अपन नहीं मानेंगे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एनसीईआरटी से बाहर का है, लगभग एनसीईआरटी के रिलेटेड पॉइंट था कि द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु आर लाइव इन 1000 और 14 ईयर एगो इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया यूज हिडन प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी, कुछ हाइड्स यूज करता था एंड हैड ब्रेन कैपेसिटी लगभग 1400 के आसपास। तो 1400 के आसपास होमो हैबिलिस की 1450 के आसपास थी, नियंडरथल मानव जो था उसमें आपको हाइड प्रोटेक्शन के लिए किया जाता था। तो ये सिंपल सा पॉइंट था, इसके अंदर हाइड ऑफ प्रोटेक्शन अपनी बॉडी को कवर करता था, वो कौन सा था बेटा? नियंडरथल मानव था। तो सिंपल सा इसका आंसर ए चला जाएगा। बढ़िए, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिक इन बैसिलस थुरिनोजेंसिस इज, कौन ट्रिगर्ड करता है? यानी कि बैसिलस थुरिनोजेंसिस के टॉक्सिक को, जो नॉन टॉक्सिक होता है उसको, टॉक्सिक को एक्टिव करने का काम कौन करता है? एसिडिक पेज स्टमक, नो। हाई टेम्परेचर, नो। मैकेनिकल एक्शन इधर इंसेक्ट गट, मैकेनिकल एक्शन, नो। एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, जो एल्कलाइन पीएच होती है इंसेक्ट की गट की, वो क्या कर देता है? इसको एक्टिव करता है, ट्रिगर्ड कर देता है। तो बिल्कुल शानदार तरीके से फिर से इसका भी राइट आंसर दिया गया था, आप ही के नोट्स के अंदर के क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट बाय दिस कल्चर मेथड इज नोन एज, क्या कहलाता है? ऑर्गन कल्चर, प्लांटलेट कल्चर, या फिर जिसे अपन कहेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज आर नन ऑफ अबव। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? बिल्कुल सी आंसर, माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर, जिसे अपन सूक्ष्म प्रवर्धन विधि कहते हैं, या टिश्यू कल्चर भी कह सकते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन जिसे अपन टिश्यू कल्चर के अंदर ही लेते हैं प्लांट के अंदर, तो सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर आप टेक्निक है जिसे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर से निकाल सकते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। क्यों बच्चे? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं भी जाता हूं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द ग्रीन हाउस गैसेस आर, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नहीं। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नहीं। हीलियम तथा आर्गन, नहीं।
कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जो होती है वो किसकी तरह काम करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करती है। तो इसका राइट आंसर फर्दर फोर्थ इसका राइट आंसर है। याद कीजिए आप ही की क्लास जब ऊपर वाले बड़े हॉल में अपनी क्लास लग ली थी तब उस समय मैंने कहा था ग्रीन हाउस इफेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रहा साफ साफ धाप के बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने जो कि एनसीईआरटी का ही पॉइंट था और आपके जेआईएनसी के नोट से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन नो, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन गैस इसमें है लेकिन फॉस्फोरस जो होता है वो चट्टानी अवसादी चट्टानों के अंदर से निकलता था, फॉस्फोरस साइकिल ये सेडिमेंट्री होता है जो अवसाद के रूप में मिलेगा आपको। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, डी इसका परफेक्टली राइट आंसर जा रहा है। तो साथ साथ में अपने आंसर चेक करते रहना तथा क्लास खत्म होने से पहले पहले आप अपने आंसर की मैच करके फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि कितने किसके बायोलॉजी फिजिक्स तथा केमिस्ट्री में राइट हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्राइसॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय, ट्राइसॉमी बतानी है आपको, ट्राइसॉमी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम का बढ़ जाना। देखिए वैसे होता है 2n लेकिन एक बढ़ जाना तो 2 से 1 प्लस 3, 3 को अपन कहते हैं ट्राइसॉमी का मतलब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर 3 होना क्या कहलाता है, ट्राइसॉमी, 2n+1 राइट आंसर डी, डी इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और उसके अंदर मैंने आपको क्लास में बताया था बेटा जब भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करोगे तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एन ग्लाइकोसाइडिक जिसे अपन कहते हैं वो होता है पेंटोज सुगर तथा किसके बीच में, नाइट्रोजन बेस के बीच में। तो डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर मैं भी चाहता हूं तो इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिल्कुल, पेप्टाइड बॉन्ड बिल्कुल, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, न्यूक्लियोटाइड जो जुड़े हुए हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इसमें राइट आंसर जाने वाला है। डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर, न्यूक्लियोटाइड जो जुड़े रहते हैं वो बेटा किससे जुड़े रहेंगे, बिल्कुल फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, एक के ऊपर एक यहां इस जगह पर उनके अंदर न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The agent that bring unstable change in the environment is called, देखिए यहां आपने गलत किया होगा, the agent that bring unstable change in the environment are called, जो agent environment के अंदर कुछ unstability create करता है उसे अपन pollution नहीं, ये तो उसका result हो जाएगा, उसे अपन fragment नहीं लेकिन pollutant जरिए कहेंगे, प्रदूषक कहेंगे उसे। आपको question में पढ़ना था, question क्या पूछ रहा है, प्रदूषक के बारे में पूछ रहा है। The agents, वह कारक जो ऐसा करता है, तो वह कारक जो ऐसा करता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे पॉल्यूटेंट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, सी इसका राइट आंसर जाने वाला है जो कि था आपका पॉल्यूटेंट। साइनोबैक्टीरिया आज यूज एज द बायो फर्टिलाइजर बिकॉज दे, क्यों इनको बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या काम लिया जाता है, दे आर फोटोसिंथेटिक, बायो फर्टिलाइजर में फोटोसिंथेटिक का बिल्कुल होते हैं लेकिन यहां बायो फर्टिलाइजर में नहीं यूज करेंगे, ग्रो इजिली एनीवेयर नो, आर पैरासाइट नो, फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है इसीलिए इनको अपन किसकी तरह काम में लेते हैं बेटा, बायो फर्टिलाइजर की तरह काम लेते हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी इसका राइट आंसर, फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम करते हैं इसीलिए इनको यूज किया जाता है। बढ़िया बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। हिस्टोन प्रोटीन आर, जब अपन ने डीएनए की पैकेजिंग पढ़ी थी उस समय मैंने आपको बताया था हिस्टोन प्रोटीन बेसिक, बिल्कुल हिस्टोन बेसिक होता है लेकिन नेगेटिव चार्ज तो आर डीएनए पे रहता है ये नहीं जाएगा, एसिडिक नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव लेकिन एसिडिक, तो राइट आंसर कौन सा जा रहा है इसका, बी बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज जो है इसका राइट आंसर। तो पुट द राइट आंसर, बिल्कुल आपने पुट अच्छा सा किया होगा, एग्जाम में इसका जो राइट आंसर जाएगा वो है इसका बी, सफिशियंट आंसर था, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था क्योंकि डीएनए पॉजिटिव चार्ज नहीं होकर नेगेटिव चार्ज है और ये होता है एसिडिक इन नेचर, तो इसका अपोजिट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस बेसिक इन नेचर जो हो जाएगा हिस्टोन, और हिस्टोन के कारण दोनों के मिलने के कारण डीएनए पैकेज देखा जाएगा, तो राइट आंसर गया इसका बी। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। जब कोई पर्सन टोबैको कंज्यूम करता है तो स्टिमुलेट उसके एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन निकलते हैं किसके कारण, टोबैको के अंदर क्या पाया जाता है, निकोटीन, टैनिक एसिड, क्यूमिन या फिर कैटेसिन, तो इसके अंदर निकोटीन जो है तंबाकू के अंदर पाया जाता है जिसके कारण उसके एपिनेफ्रिन तथा नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। तो इसके इसका जो राइट आंसर जाने वाला बेटा वो कौन सा हो जाएगा,
ए इसका राइट आंसर जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ी, रिवीजन भी अच्छे से किया, बिल्कुल क्या बात है। नर्सिंग ऑफिसर पहले से ही बायो में 34 राइट है बेटा, 37 टू 38 क्वेश्चन में से बायो में 34 राइट है, शानदार, मजा आ गया। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, GAATTC इज अ रिकॉग्नाइजिंग साइट विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस, हिंट सेकंड इको आर या फिर बैम एच वन या फिर हिंट थर्ड। तो पहला खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हिंट सेकंड, लेकिन ये जो आपको साइट दे रही है वो किसकी होती है, GAATTC, ये जो आपका राइट आंसर गया है वो कौन सा चला जाएगा, इको आर फर्स्ट इसका राइट आंसर चला जाएगा, तो ये आपका इको आर इसका राइट आंसर जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, एनिमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर लिम्स, दिस इज कॉल्ड एलन रूल्स। एलन ने कहा था कि जो ठंडे इलाकों में रहने वाले जंतु होते हैं उनके कान तथा उनके पाद, जो हाथ होते हैं, कान तथा पाद, आंखें, मुंह, सब छोटे होते हैं। रीजन, उन्हें जितना हो सके अपने अंदर की हीट को कंजर्व करके रखना है, बचाए रखना है। तो बचाए रखने के लिए उनके हाथ तथा उनके लिम्ब जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ईयर पिन्ना छोटे रहेंगे, ईयर छोटे, आई छोटी, माउथ भी छोटा। ये कौन सा रूल कहलाता है बेटा, एलन का रूल कहलाता है। तो बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एलन का नियम, तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इट इन इट। तो 20, 40, 30 या 60, देखिए आपसे पूछा है साइटोसिन, अगर जितना साइटोसिन हो उतना का उतना ग्वानिन, तो आपने कहा कि ग्वानिन भी 20 और ये भी कितना 20, बच गए। अब सुनना, थोड़ा सा यहाँ पर आंसर में मिस्टेक आएगा, कैसे, यहाँ आपने कहा ये 40 हो गए तो बचे कितना पीछे, 60 बचा, 60 अगर आपका आंसर है तो पीछे कितना है, 30, क्योंकि ए जितना होगा उतना ही कौन होगा, टी होगा, जिसका राइट आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, 30 राइट आंसर जाएगा, ना कि बी। मैं माफी चाहता हूँ यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर जाने वाला बेटा वो कौन सा चला जाएगा, इसका राइट आंसर 30 चला जाएगा, सी इसका राइट आंसर है, बी नहीं है, बी इसका खोटा आंसर है। तो इसका राइट आंसर जो जाने वाला है वो कौन सा जाएगा, सी इसका राइट आंसर जाएगा, 33 राइट, क्या बात है हनुमान। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, द बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज, अच्छा सुनना, होमोलॉजी एनालॉजी अच्छे से पढ़ाया था आपको, और लास्ट एग्जाम के तक बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर इसमें ये कुछ आंसर है, कुछ और जो कुछ नर्सिंग ट्विटर और कुछ ऐसे आपके चैनल्स थे जिन पर आंसर को गलत बताया गया था, मैंने उन बच्चों को समझाया बेटा कि इसका सही में मीनिंग क्या रहेगा। तो यहां पर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आप पता नहीं किस फलाना एजुकेशन कुछ फलाना एजुकेशन पे गए थे और आपने वहां से कुछ गलत आंसर लिख कर, गलत आंसर चुनकर हमें बताया था कि सर ऐसा कुछ वहां बताया जा रहा है, लेकिन हमने कहा था बेटा ऐसा नहीं है। और राइट आंसर सुन लीजिए, सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज वन ऑर्गेनिज्म हैव गिव राइज अनदर, नो, दे शेयर द कॉमन एंसेस्टर या दे परफॉर्म द सेम फंक्शन या फिर द हैव बायोकेमिकल स्ट्रक्चर। देख बेटा यहाँ काफी बच्चों ने इसका राइट आंसर किया, द परफॉर्म द सेम फंक्शन, अरे तो भी होमोलॉजी है तो फिर सेम तो फंक्शन करेगा ही, कैसे, अच्छा सेम फंक्शन कैसे करेगा, फोर लिम, वेल का काम क्या होता है बेटा, वेल के अंदर जो इसके फ्लिपर लगे हुए थे वो उसके किसमें काम करवाने वाले, वेल के फ्लिपर किसमें काम करने वाले, तैरने में मदद करने वाले, बैट के उड़ने में मदद करने वाले, चीता के अंदर भागने में, ह्यूमन के अंदर चीजों को पकड़ने में, तो ये तो होने से रहा, लेकिन काफी बच्चों ने ऐसा आंसर दिया है ये नहीं हो सकता, वन ऑर्गेनिज्म गिव अर्थ, नहीं, अरे दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, एक ही इनके पूर्वज रहे होंगे और पूर्वज एक रहने पर हैबिटेट के बेसिस पर एडेप्टिव अनुकूली विकरण, डार्विन ने कहा था ना बेटा, तो उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड था, शानदार लगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा लगा कि भाई हाँ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है, तो शेयर कॉमन एंसेस्टर, इनके सभी जो पूर्वज रहेंगे वो समान रहेंगे, 20 का राइट आंसर जाने वाला है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब यहां पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है, देखो ऐसा नहीं था कि पेपर बिल्कुल इजी था, बट थोड़ा करने में आपको पेपर करने में मजा आया होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने कहा था ना कुछ बच्चों ने गलत किया होगा, वही भावनाओं में बह जाते हैं, क्लास में बताया था उन बच्चों को कि बेटा आपको जितना हो सके क्वेश्चन पढ़ने के अंदर, क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा फोकस करना है, आंसर तो आप ये रटिक इतना सा टिक, लेकिन क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, वही आपने गलती कर दी। यहां पर भी गलती करने वाले हो, अरे मेरे प्रिय जयंसियन देख लेना तुम यहां गलती करने वाले हो, कैसे,
तुम्हें पूछा गया था क्राई फर्स्ट ए बी क्राई सेकंड ए बी, दोनों ए बी थे। अब क्वेश्चन में तुमने क्या किया होगा कि कौन कॉटन बॉलवर्म तो कौन ब्रो दोनों या निमेटोड कौन, तो ये आपका पहला क्वेश्चन में देखिए आप क्या करते हो जनरली, क्योंकि वहां पर आपके एनसीईआरटी ने क्राई फर्स्ट ए सी क्राई सेकंड ए बी क्या दे रखा है, क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकंड ए बी दे रखा है और उसको बता रखा है बेटा कॉटन बॉलवर्म को। लेकिन इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर क्राई फर्स्ट ए बी की जगह क्या डाल दिया, क्राई फर्स्ट ए सी की जगह क्या डाल दिया, क्राई फर्स्ट ए बी। अरे ये तो कंट्रोल करती कौन बोरर को, और ये कंट्रोल कर रही थी क्राई सेकंड ए बी तथा क्राई फर्स्ट ए सी, ये दोनों कंट्रोल करती है कॉटन बॉलवर्म को। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा इसका, नहीं प्रवीण यही तो अपने गलती की बेटा, ध्यान से पढ़िए एनसीईआरटी खोलिए, क्राई फर्स्ट ए बी कॉर्न बोरर जबकि क्राई सेकंड ए बी कॉटन बॉलवर्म, तो आपने इसका राइट आंसर जो था वो गलत कर दिया है, ये इसका राइट आंसर सी जाएगा कॉटन बॉलवर्म कॉम बोरर, कॉम का मतलब अरे बेटा कॉर्न बोरर ये कॉम बता रहा है वैसे ही गलत है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो सी इसका राइट आंसर। देखिए बच्चा यहां आपने गलती ये कर दी है कॉम बोरर ना, तो कॉम बोरर नहीं कॉर्न बोरर होता है, तो इसका राइट आंसर जो गया था वो आपका बिल्कुल जो लास्ट आपको बताया गया था कॉर्न बोरर तथा कॉटन बॉलवर्म गया है। चलिए ये आपके बायोलॉजी का पेपर था बेटा, बिलीव कीजिए जिन विद्यार्थियों ने क्लास में ध्यान रखकर अच्छे से पढ़ाई भी की होगी बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी कंसेप्ट के डीप में जाते हुए, जो कि हमने बहुत डीप से पढ़ा था इन कंसेप्ट को, उन सभी का पेपर बायोलॉजी का शानदार गया है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इन सारे क्वेश्चन को किया है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके नोट्स के अंदर से ही थे, सारे के सारे क्वेश्चन जो आए थे ऑफलाइन ऑनलाइन तथा ट्यूजडे की क्लास में आए थे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि बायोलॉजी का आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बने रहना। अब आपके फिजिक्स के सर मिस्टर भारती सर एचओडी ऑफ जेआईएनसी नीट एंड जेई के, वो आपको फिजिक्स का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं, तो बने रहना बेटा। हेलो एवरीवन, तो फिर से आपकी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, जो अभी तक आप लोगों ने बायो और केमिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो अब बारी है फिजिक्स की, जो सबसे सिंपल सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, बिल्कुल सिंपल सा सब्जेक्ट है और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से आपसे पूछे गए हैं आरयूएचएस में, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं जो आपके क्लासेज में 100% जो करवाए गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में छपे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। यस प्रवीण मेगा सभी जो आप लोग क्लास में प्रेजेंट है अभी तक, तो थोड़ी देर और अपने फिजिक्स को भी टेस्ट कर लें कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें से कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा अभी, तो तैयार रहें आपके क्वेश्चंस के लिए।
तो देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे स्लाइड में जो प्रेजेंट है कि नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज टू स्टरलाइज द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए कौन सी वेव्स काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना उसमें यूवी रेज काम में लेते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट हम यूज करते हैं, यूवी रेज काम आती है। फटाफट देखते जाए व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टू, जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है और फिर ऑप्शन आपके पास जो एंगल के लिए थे, तो ध्यान रखे म्यू इज इक्वल टू हम काम में लेते हैं जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए, जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए हम काम में लेते हैं यूज करते हैं ध्यान रखना, वो अपने पास एंगल होता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c हम फॉर्मूला यूज करते हैं। जो टी आई आर आप लोगों ने पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, वहां आपने फॉर्मूला पढ़ा है म्यू के लिए 1/sin c, तो उसी फॉर्मूले को आप यूज करें यहां पे तो एंगल आपके पास आ जाएगा। फॉर्मूला जो आप लोगों ने यूज किया होगा म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, क्रिटिकल एंगल यहां पे था सी और म्यू आपको दे रखा है, तो आपका आंसर आता है यहां पे 30 डिग्री, ऑप्शन सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखते रहे, चेक करते रहे। अगला क्वेश्चन आपके लिए था इसके बाद, इन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म इफ लाइट रे हैज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड दे आर इक्वल टू 3/4 ऑफ प्रिज्म एंगल, द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी। यहां पे प्रिज्म फॉर्मूला आपको यूज करना था, जो प्रिज्म फॉर्मूला हम यूज करते हैं म्यू के लिए वो आपने पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन में अपने पास साइन आई बाई टू, जो हम ए बाई टू जो हम काम में लेते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास जो प्रिज्म फॉर्मूला था और यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस और आंसर आपके यहाँ पे मिल रहा है 30 डिग्री, डी ऑप्शन 30 डिग्री आंसर आ रहा, चेक कर लेना। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपके लिए था, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस आर 5 and 20 डायोप्टर, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप विल बी। जो मैग्नीफाइंग पावर आपको फाइंड करना था, फाइनल फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं m is equal to fo upon fe, यहां पे fo fe के लिए आपको रिलेशन यूज करना था और आंसर आपके पास जो यहां मिला वो करेक्ट आंसर आपके लिए था डी ऑप्शन, यानी कि 4, जो मैग्निफिकेशन यहां पे आता आपके लिए 4 आंसर आता, ध्यान रखना डी ऑप्शन आपके लिए यहां करेक्ट आ रहा था। फटाफट चेक करते रहे कंटिन्यूसली, लगातार चेक कर ले अपने आंसर्स। अगला क्वेश्चन इसके बाद था आपके लिए फटाफट स्पीड के साथ, इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज √3 देन पोलराइजिंग एंगल विल बी। जो पोलराइजिंग एंगल या फिर उसी को आप ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं, जो ब्रूस्टर्स एंगल के नाम से भी आपने पढ़ा जान रखना, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला लिखा है म्यू इज इक्वल टू 10 IP, म्यू इज इक्वल टू 10 IP फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है और इसका राइट आंसर आपके पास था ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन ए 60 डिग्री आपके पास राइट आंसर था ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट अ लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम प्रोड्यूसेस 5 मिनिमा एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर द वेथ ऑफ द स्लिट विल बी, द वेथ ऑफ द स्लिट विल बी, तो उसके लिए आपके पास 0.5 नैनोमीटर आता आंसर, 0.5 नैनोमीटर, जिसको आप अगर चेक करें तो वही आप लिख सकते हैं 0.5 × nanometer के लिए 10⁻⁹ meter, ओके, या फिर आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻¹⁰ meter, जिसको आप 5 angstrom भी कह सकते हैं अगर आपने जैसे भी कैलकुलेट किया हो। फिर देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन था, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रखा था, P की वैल्यू आपको दे रखी थी, जो फॉर्मूला यूज करते हैं P इज इक्वल टू q × 2a और P की वैल्यू आपको यहाँ कूलॉम इंटू मीटर में दे रखी, जाना करना डिवाई में भी हो सकती है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर आयंस विल बी। तो सबसे पहले आपको Q की जरूरत पड़ेगी, HCl आप मॉलिक्यूल काम में ले रहे हैं तो H प्लस Cl माइनस, यानी कि यहाँ पे चार्ज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ले सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन का Q आ जाएगा और डिस्टेंस आपसे पूछी गई थी, तो यहाँ आपका राइट आंसर आता है ऑप्शन ए, जो 2 × 10⁻¹⁰ meter आती है अपने पास। तो ध्यान रखना फॉर्मूला जो आपके पास था P इज इक्वल टू q × 2a और Q हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको यहाँ पे यूज करना था। फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए,
two charges 12 microcoulomb and 8 microcoulomb are placed at 10 cm apart. Calculate the approximate work done in bringing at 4 cm apart. तो ऑप्शन आपके पास जो थे वर्क डन कैलकुलेट करना था यहाँ पे और आंसर आता है 13 जूल आपका यहाँ 13 जूल आंसर आता है ध्यान रखना वर्क डन के लिए यहाँ पे 13 जूल बिल्कुल जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं लगातार तो चेक करते रहे अपने आंसर मैच करते रहे कि कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम विल बी तो जो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला आप लिखते हैं फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो गॉस थ्योरम अपने पास है फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हम काम में लेते हैं और यहाँ पे आपको कहा गया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू की वैल्यू अगर आप वन लेते हैं तो वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके पास जो ऑप्शन था वो एप्सिलॉन नॉट इनवर्स की फॉर्म में था तो वो आपका बिल्कुल सही आंसर था एप्सिलॉन नॉट इनवर्स की फॉर्म में ध्यान रखना एप्सिलॉन नॉट इनवर्स आपके पास आंसर था फाइव के लिए फ्लक्स के लिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया जो कई बार आपने क्लास में डिस्कस किया है जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपके जीवन में आप कहां तक जाएंगे ये निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है और जेआईएनसी ने जो आपको सलाह दी है शुरू से क्लासेज में वही आपके यहां एग्जाम तक काम आई है और आगे भी जीवन में याद रखना जो भी क्लास में चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो जो आपको चीजें बताई गई है वो जीवन पर्यंत आपके काम आने वाली है उनको हमेशा दिमाग में बिठा के रख लेना जो भी क्लास में चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे मोरालिटी से रिलेटेड हो सारी चीजें जीवन पर्यंत आपके काम आने वाली है ये जेआईएनसी का ज्ञान हमेशा काम आने वाला ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके पास आंसर एप्सिलॉन नॉट इनवर्स था। अगला क्वेश्चन फिर इसके बाद है व्हाट हैपेंस व्हेन टू प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटी जॉइंट बाय अ कंडक्टर वायर अगर कोई भी दो कंडक्टर है और उनको आप किसी एक वायर से कनेक्ट कर दें जैसे ये दो कंडक्टर है तो हम कहते हैं कि आवेशों का प्रवाह होता है और आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है और तब तक होता है जब तक कि उनके विभव बराबर नहीं हो जाते। तो अगर विभव बराबर हो जाएंगे तो विभवांतर का मान जीरो हो जाएगा ध्यान रखना विभवांतर का मान जीरो हो जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस के लिए सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी अगर वी जीरो रखोगे तो सी इनफाइनाइट हो जाएगी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगी ध्यान रखना। ऑप्शन अभी मेरे पास यहाँ टाइप नहीं है तो मैं यहाँ पे सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। अगला फिर उसके बाद क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन तो ध्यान रखें रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं दोनों ही चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे तो इसका मतलब एक आया जो यूनिट आएगा अपने पास यूनिट वैल्यू आएगी यूनिटी आएगी वन आएगी यानी कि एक जब मान हो गया तो वहां ना तो कुछ घटना है ना कुछ बढ़ना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि दोनों राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर है दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स के रेसिप्रोकल के इक्वल है ध्यान रखना। तो यहां हम कहेंगे यूनिट आ जाएगा तो उसमें नन ऑफ द अबव कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा ध्यान रखना ओके। अब यहां पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट है ये जैसे ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास इसमें तो ऑप्शन सी डी तो यहाँ हो गया नन ऑफ द अबव ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसके बाद एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी को हम लिखते हैं जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए हम फॉर्मूला काम में लेते हैं तो यहाँ पे करंट अपॉन एरिया के लिए आपके पास यूनिट हो गई एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर ध्यान रखना ये आपके पास करंट डेंसिटी के लिए राइट यूनिट हो गई और इसको हम कहते हैं कि एक ये वेक्टर क्वांटिटी है सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ ऑप्शन आपको दे रखे हैं एम्पियर पर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखें फिर इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ फॉर अ सेल ऑफ ईएमएफ इज एल इफ एन अनदर सेल ऑफ सेम ईएमएफ ई इज जॉइंड इन पैरेलल ध्यान रखना इसी शब्द ने पूरा कबाड़ा कर दिया है इसी वर्ड ने पैरेलल ने समांतर ने पूरा कबाड़ा कर दिया टू दिस सेल न्यू बैलेंसिंग लेंथ विल बी अब समांतर में जोड़ दिया तो विभवांतर अलग अलग होगा क्या पैरेलल में जब भी कनेक्शन होता है तो विभवांतर बराबर होता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जो आपकी लेंथ पहले थी एल
तो इसका मतलब अब भी क्या रहेगी, लेंथ एल ही रहेगी, क्योंकि पैरेलल में कनेक्शन किया गया, समांतर में जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखना यहाँ पे पैरेलल के लिए आंसर अपने पास वही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ करंट चेंजेस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 एम्पीयर पर सेकेंड इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 × 10⁻³ हेनरी द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी, ईएमएफ आपसे पूछा गया था, तो E इज इक्वल टू, जो हम फॉर्मूला काम में लेते हैं, d∅dt। और यहाँ पे जब इंडक्टेंस की बात की गई, सेल्फ इंडक्टेंस की बात की गई, तो फाइ के लिए आपके पास फॉर्मूला है फाइ इज इक्वल टू li, तो आपके पास यही रिलेशन बन गया, E इज इक्वल टू l di/dt। l की वैल्यू दे दी आपको, di/dt की वैल्यू आपको दोनों दे दी गई है, ध्यान रखना। तो E इज इक्वल टू l di/dt अपने पास रिलेशन हो गया। अगला क्वेश्चन इसके बाद था आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट करंट इज, कि विस्थापन धारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट आपसे पूछी गई, विस्थापन धारा के बारे में आपसे पूछा गया। तो विस्थापन धारा जो हम लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, id इज इक्वल टू ε₀ d∅/dt, लेकिन फाई कौन सा है, इलेक्ट्रिक है या मैग्नेटिक है, तो ध्यान रखना ये फाई ई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि विद्युत फ्लक्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो जो फॉर्मूला है अपने पास, id इज इक्वल टू ε₀ d∅/dt, और फाई मैंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान रखना। ये सीधा ऑप्शन था आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में, डायरेक्ट ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट था। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द ऑड वन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, आपको कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जो अलग अलग यूनिट्स दी गई थी मेरे पास यहाँ पे रिटर्न में जो प्रेजेंट है अभी, जिसमें आपसे पूछा गया था, एक तो था ऑप्शन l/r, एक ऑप्शन आपके पास था 1/√LC, और एक था आपके पास √LC, और एक ऑप्शन था आपके पास RC। इन ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो इन तीनों में जो यूनिट आती है वो सेकेंड आती है, इन तीनों की यूनिट सेकेंड आती है, जबकि इसकी यूनिट अगर आप निकालोगे तो 1/2 आएगी। ये फ्रीक्वेंसी के लिए आपने लिखा है 1/f = 1/2 π√LC, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी, ये आवर्ती के तुल्य होता है, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम पढ़ते हैं, ध्यान रखना। तो ये 1/2 हुआ, जबकि बाकी ये तीनों जो है वो सेकेंड के बराबर है, तो अलग कौन सा हुआ, ऑड वन पूछा आपसे, यानी कि अलग कौन सा है, तो अलग कौन सा है, तो 1/√LC यहाँ पे आपका डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन इसके बाद था आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो ध्यान रखने अपने को ई क्रॉस बी, जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यूज करते हैं ई क्रॉस बी, ध्यान रखना। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन से बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन हमने कहा शुरुआत में ही, और जितने भी अभी तक आपकी क्लासें हुई उन सभी अभी तक जो बायो और केमिस्ट्री में भी आपने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज आपके ट्यूजडे के पेपर से और आपकी लाइव क्लासेस से पिक किए गए हैं, और जिन्होंने रेगुलर इन चीजों को पढ़ा है उनको बिल्कुल सिंपल लगेगा, उनके लिए सारी चीजें बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर। और जो भी अभी भी लाइव में प्रेजेंट है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत शानदार रहा होगा, और अभी हो सकता है कि आप लोग सफर कर रहे हो या अभी तक जयपुर में रुके हो, क्योंकि RUHS ने भी आप सभी को मौका दिया कि पूरे राजस्थान से आप जयपुर घूमने आए, गुलाबी नगरी को देखने आए, तो हो सकता है कुछ लोग गुलाबी नगरी में गुलाबी ठंड का आनंद उठा रहे हो, या कुछ लोग हो सकता है इस गुलाबी ठंड में सफर भी कर रहे हो और उसके साथ साथ अभी फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, अपनी जो पेपर की आंसर शीट है उसको चेक कर रहे हो कि कितने सही है और कितने गलत है। जीवन में ध्यान रखें, जो कर दिया, जो हो गया, उस पे कभी भी पछतावा नहीं करना है। जो पेपर हमने दिया वहां तक अपना 100% देना है, लेकिन पेपर होने के बाद उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी है। जितने मार्क्स आएंगे, जितने क्वेश्चन सही होंगे, वो अपने मेहनत के अकॉर्डिंग, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट था, लेकिन अब रिजल्ट भगवान के भरोसे छोड़ दें, मेहनत अपने भरोसे पे रखें। जब मेहनत करनी हो, तैयारी करनी हो, तब अपने भरोसे रहें, लेकिन रिजल्ट भगवान के भरोसे छोड़ दें कि जो अपने लिए बेटर होगा, जो अपने लिए बेस्ट होगा, वही हमें मिलेगा। तो उसके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जिनके भी सही हुए हैं, यस बिल्कुल, यहाँ पे
जो अभी भी प्रेजेंट है यहाँ पे कह रहे हैं, कमेंट्स जो आ रहे हैं जैसे देख पा रहा हूं मैं, बिल्कुल तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखें इन सभी क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन जो आपके पास था, सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय, कि सेंसिटिविटी यानी कि सुग्राहिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सुग्राहिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो V समानुपाती L होता है, V समानुपाती L होता है, यानी कि अगर आप विभव मापी की लंबाई बढ़ाओगे, उसकी लेंथ इंक्रीज करोगे, तो उसकी सुग्राहिता बढ़ जाएगी, उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी लंबाई हमें बढ़ानी पड़ेगी, उसकी लेंथ हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ओके, यस, राज प्रजापत का कहना है कि 82 सही आ रहे हैं, गुलाब का कहना है कि आंसर पूरे नहीं देखे हैं, कोई टेंशन नहीं, अगर पूरे नहीं देख पाए हो तो इसका ए होगा, यस मेगा ए होना चाहिए, बाकी सभी भी काफी लोग कह रहे हैं, विजय एजुकेशन, अच्छा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, यस बिल्कुल, आप लोगों ने जो आंसर दिए हैं और जितने भी यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो इन सभी को चेक कर लें अपने आंसर्स को, और बिल्कुल रिजल्ट के लिए सेटिस्फाई रहें कि जो भी आपको मिलता है उसे एक्सेप्ट करते हुए। ओके, तो जरूरी चीज जो अपने जीवन में फॉलो करनी है हमेशा, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।